अप्रैल का महीना आ चुका है और साथ ही तैयार हो गया है फिल्म सिटी में सलमान का टाइगर 3 वाला सेट। आपको हमने पहले भी बताया था कि टाइगर 3 की शूटिंग के लिए मुंबई में गोरेगांव के पास स्थित फिल्म सिटी में एक तुर्किश सेट तैयार किया जा रहा है, जहां पर तुर्की के शहरों और इस्तांबुल की सड़कों की झलक मिलेगी। खबर है कि ये सेट अब पूरी तरह बनकर तैयार हो गया है और नेक्स्ट वीक से यहां शूटिंग शुरू होने वाली है। आपको बता दें कि गोरेगांव की फिल्म सिटी दरअसल एक पहाड़ी पर चारों तरफ से घिरा हुआ जंगल है और इसी पहाड़ीनुमा जंगल के बीच में लगा है टाइगर का तुर्की वाला सेट, यानी फिल्म सिटी के जंगल में दहाड़ेगा टाइगर। लेकिन इस बार टाइगर को करनी होगी डबल शिफ्ट, और वो क्यों होगा ये वजह भी समझ लीजिए। दरअसल सलमान की अपकमिंग फिल्म टाइगर 3 की शूटिंग और राधिका प्रमोशन लगभग एक साथ ही शुरू होगा, लिहाजा अच्छी बात यह है कि दोनों ही काम मुंबई के फिल्म सिटी में ही होंगे, यानी फिल्म सिटी के अंदर ही सलमान खान एक शिफ्ट में अपनी फिल्म के लिए शूट कर सकते हैं और दूसरे शिफ्ट में राधे के प्रमोशन के लिए अलग अलग टीवी शो और रियलिटी शो के सेट पर जा सकते हैं। आपको बता दें कि टीवी पर आने वाले अधिकतर रियलिटी शो और डेली सोप फिल्म सिटी में ही सेट बनाकर शूट किए जाते हैं। तारक मेहता का उल्टा चश्मा से लेकर अनुपमा, ये रिश्ता क्या कहलाता है, कपिल शर्मा का सेट तक सब यही है। लिहाजा सलमान को राधे के प्रमोशन के लिए बहुत परेशान नहीं होना पड़ेगा, उन्हें ज्यादा ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा। बताया जा रहा है कि इस बात को ध्यान में रखते हुए ही टाइगर 3 का सेट फिल्म सिटी में बनाया गया था। फिल्म सिटी तक ट्रैवल करने में सलमान को अपने बांद्रा के घर से भी ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, यानी अगले एक से डेढ़ महीने तक सलमान का शेड्यूल सुपर बिजी तो रहने वाला ही है। लेकिन अगर वो ढंग से मैनेज करे तो फिर वो सारे काम किसी सुपरमैन की तरह आराम से निपटा सकते हैं। आपको बता दें कि इस वक्त सलमान के बैग में अंतिम और राधे के अलावा तीसरी फिल्म के तौर पर टाइगर 3 ही है। इसके अलावा वो शाहरुख के साथ पठान में एक लंबा कैमियो करते हुए भी नजर आएंगे। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाए।